सत्संग सुधा सागर से धर्मानुरागनी प्यारी जनता, मेरे कहने का विषय ईश्वर भक्ति है। ईश्वर भक्ति के लिए पहले ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना आप उसी तरह चलिएगा जिस तरह किसी को निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं है और वह चलता हो। ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान से परे है। इंद्रिय ज्ञान में जो आते हैं वे किसी न किसी तरह नाशवान है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है सब माया है। दूसरी बात यह है, यह याद कीजिए कि अपने राजत्व काल में श्री राम ने प्रजा को बुलाकर अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दी थी। श्री राम के राज को लोग आज भी बहुत अच्छा कहते हैं। अति उत्तम राजनीति बनाकर प्रजा को सुखी करना ही श्री राम का काम था। उन्होंने सोचा कि प्रजा इस संसार में तो सुखी है ही, शरीर छूटने के बाद भी ये सुखी रहें, दुखी न हो, इसलिए प्रजा को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी थी। एक बात और हुई होगी कि श्री राम तो राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ ही नहीं, वे राजनीतिज्ञों के भी आचार्य थे। जो बातें तुलसीकृत रामायण या वाल्मीकि रामायण में अयोग्य जंचती हैं, हो सकता है वे छेपक हों। श्री राम ने सोचा होगा कि प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहें। लोग समझते हैं कि अर्थहीन बहुत दुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लोग अर्थ के लालच के कारण ही चोरी डकैती वटमारी बेईमानी लूट आदि किया करते हैं। ज्ञान सरोवर में लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को नित्य सोने की थाली में भोजन कराते थे। एक दिन एक ब्राह्मण एक थाली चुरा ले गए। खोज करने पर पता चला कि अमुक ब्राह्मण ने थाली चुराई है। चोर को दंड मिलना चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के अदंडनीय होने के कारण उन्हें दंड दिया जाए तो कैसे। युधिष्ठिर इस असमंजस में पड़े थे। इस न्याय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजा बलि के पास जाने की अनुमति दी। भगवान को साथ लेकर महाराज युधिष्ठिर राजा बलि के पास गए और उस ब्राह्मण के सोने की थाली चुराने की बात कही। राजा बलि बोले कि इतनी कि तुम्हारी प्रजा धनहीन है इसलिए चोरी करती है, यह दोष तुम्हारा है। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन नहीं दे सकते। तुम अपनी प्रजा को पूरा धन दो तो फिर कोई प्रजा चोरी क्यों करेगी। इस प्रकार आप धन देकर प्रजा को सुखी कर सकते हैं। राजा लोग ऐसा ही करते थे कि उनको पूरा धन देते थे जिससे वह चोरी डकैती आदि नहीं करती थी। लोग झूठ बोलकर धोखा देकर ठग कर किसी न किसी तरह पैसा खींच लेते हैं, यह सब तो आप लोग जानते ही हैं। मगर गैर वाजिब नहीं लेना चाहिए। यदि कबीर साहब के समान खरा निर्लोभी हो तो ठीक है। उनका एक दोहा सुनिए, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। कबीर साहब कपड़े बिन बिन कर बेचा करते थे। एक दिन वो एक चादर लेकर बाजार में बेचने गए और उस चादर का मूल्य उन्होंने 5 रुपये बतलाए। ग्राहक उनसे 3-4 रुपये कहते थे। अंत में वे चादर लिए हुए घर लौट रहे थे। रास्ते में एक चतुर व्यक्ति से भेंट हो गई। उसने कबीर साहब से पूछा, क्यों चादर वापस ले जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, हाँ यह चादर 5 रुपये की है, किंतु कोई 5 रुपये देना नहीं चाहते। चतुर्जन ने कहा कि मुझे यह चादर दीजिए, मैं इसे बेचकर 5 रुपये आपको दे दूंगा और इससे जो विशेष होगा उसे मैं ले लूँगा। कबीर साहब ने कहा कि भाई मुझे तो 5 ही रुपये चाहिए। उस चादर को लेकर वह चतुर व्यक्ति बाजार गया और उसका मूल्य 8 रुपये सुनाने लगा। किसी ने 7 रुपये में उस चादर को खरीद लिया।
उस चतुर जन ने 5 रुपये तो कबीर साहब को दिए और 2 रुपये खुद रख लिया। इस तरह यदि कोई कबीर साहब के समान सबरदार और संतोषी है तो उसका भी गुजर बसर हो जाता है और जनता की निगाह में वह प्रतिष्ठा का पात्र भी समझा जाता है। किंतु ऐसे आदमी कम होते हैं। लालची की आंख संसार भर की दौलत से उसी तरह नहीं भरती जिस तरह ओस से कुआं नहीं भरता। अनैतिकता से धन कमाना ठीक नहीं है। चोर डकैत तो पहले यहीं पर पीटे जाते हैं और कचहरी में सजा पाते हैं। यहाँ संसारिक सुखों में ऐसी ही बात होती है। धन अर्जन, संसारिक प्रबंध, राजनीति के साथ आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का रूहानियत चैतन्य ता व इल्मे रूहानी कर दो। जब 1 लाख सील का सदाचार ऊंचा होगा, वह सदाचार ऊंचा होगा, तब आत्मज्ञान में ऊंची गति यानी रूहानी तरक्की होगी। संसार में सदा चरण में बरतते हुए परलोक में भी ठीक ठीक कुशल से रहा जाएगा। विषयी सदा चरण में बरत कर आत्मोन्नति पथ में चल नहीं सकता। इसी से तुलसीकृत रामायण में श्री राम का उपदेश है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुदाते सठ विसले ही। एक बार रास्ते में जाते जाते मुझको पंजवारा बाजार के कुछ सज्जनों ने कहा कि कुछ सुनाइए। मैंने कहा समय नहीं है, थोड़े में सब सुन लो। राम राजा सकल प्रजा, राम व्यक्त रूप में इस धरातल पर नहीं है किंतु वे अव्यक्त रूप में है ही। राजा का वचन मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे। वह वचन यह है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी सभी बराबर दुखी सुखी नहीं रहते, कोई अल्प और कोई विशेष सुखी रहते हैं। श्री राम कहते हैं कि वहाँ भी सुख थोड़ा ही है और अंत में वह दुख देने वाला। श्री राम प्रजा को विषय से विमुख करते हैं, विषय से दूसरी ओर ले जाते हैं। इल्मे विद्या रूहानी चैतन्य की ओर ले जाने के लिए उन्होंने नसीहत शिक्षा दी कि जो हवास इंद्रिया में आने योग्य चीजें हैं उनको छोड़ो। परवरदिगार को जानना चाहते हो तो हवास के इल्मे इंद्रिय ज्ञान से आगे जाओ। विषय कितने हैं? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 हैं। ये आँख से, कान से, त्वचा से और जिब्या से ग्रहण किए जाते हैं। विषय सुख भोग में जो आराम मालूम होता है उस आराम में रहना अच्छा नहीं है। स्वर्ग बहिष्ठ में भी बेचैनी लगी रहती है। यही श्री राम कहते हैं कि वहाँ भी लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ और यहाँ में यही अंतर है कि वहाँ भोग विलास की सामग्री अधिक है। इस शरीर के लिए तो यह कहा गया है कि नर्तन सम नहीं कबने उदे ही, जीव चराचर जांचत जे ही। गोस्वामी तुलसीदास, श्री राम ने कहा कि विषय की ओर मत जाओ। इसका आशय क्या हुआ? निर्विषय की ओर जाओ। निर्विषय तत्व क्या है? जो हवास में नहीं आता, जो पंच विषयों से परे है, उस ओर चलने के लिए श्री राम उपदेश देते हैं। इंद्रियों की पकड़ में जो आबे वह माया है। अन विचार रमणीय महासंसार भयंकर भारी, नहीं विचार करो तो संसार बहुत अच्छा है, यदि विचार करो तो यह संसार बहुत भयंकर है। तब क्या करो? निर्विषय की ओर चलो। यदि कोई कहे कि क्या निर्विषय की ओर चलना ही भक्ति है, मैं कहूँगा हाँ, निर्विषय की ओर चलना ही ईश्वर की ओर चलना है, यही ईश्वर की भक्ति है। दूसरे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे पास हैं, फिर बुलाओ किसको और जाओगे किसके पास? तुलसी साहब के पास एक विश्वासी मुसलमान गए कुछ जिज्ञासा करने के लिए। उनका नाम तकी था। तुलसी साहब ने उनसे कहा, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। फिर उसका रास्ता बता लाया।
पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। यदि काले पर्दे के पार में देखो तो क्या होगा? तो कहा, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। यहाँ के भक्तों से या दूसरे देशों के भक्तों से पूछो, सभी अंतर में चलने के लिए कहते हैं। कितने मुझसे झगड़ते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद को क्या इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं हुए? तो मैं कहूंगा कि तुलसी कृत रामायण में जो श्री राम ने कहा है उसे देखिए। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। क्या यह झूठ है? देवी काली, राम, कृष्ण, शिव आदि अनेक रूपों में लोग भगवान को मानते हैं। क्या उन अनेक रूपों में अनेक भगवान हैं या केवल एक ही भगवान सब रूपों में है? रूप के दर्शन से केवल शरीर रूप दर्शन हुआ, परंतु उन सब रूपों में जो एक ही है उन आत्म रूप भगवान का दर्शन नहीं हुआ। किसी को चतुर्भुजी, किसी को दो भुजी का दर्शन हुआ। गोस्वामी जी को हनुमान जी सहायक थे। हनुमान जी से तुलसीदास जी ने विनय किया कि मुझे भगवान का दर्शन कराइए। वहीं का यह दोहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास जी ने उन्हें तिलक लगाया किंतु फिर भी वे उन्हें पहचान नहीं सके। फिर घोड़े पर राजकुमार के रूप में दर्शन हुए किंतु फिर भी पहचान नहीं सके। तुलसीदास जी से पूछिए उनका अपना लिखा क्या है, सो पढ़िए उनका अंतिम ग्रंथ विनय पत्रिका, उसमें लिखा है कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही बाहर फिरत विकल भय दायो, जो कुरंग निज अंगर उचिर मद अति मतहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरुलता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ ते आयो, जो सर्व विमल वारि परिपूरण ऊपर कछु सिवार तृण छायो, जारत ही होता ही तज ही सठ चाहत यही विधि त्रिषा बुझायो, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तज विषय बबूर बाग मन लायो, तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम मूढ़ न आन पुराण नि गायो, तुलसीदास प्रभु यह विचार जिए कीजे नाथ उचित मन भायो। जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर भटकते रहे तब तक वे उसी तरह भटकते रहे जिस तरह मृग कस्तूरी के लिए भटकता है। जैसे कोई प्यासा जन किसी तालाब पर जाता है, वहाँ पानी के ऊपर सेवार पानी में उगने वाला एक प्रकार का घास है, उस तृण को हटाए बिना ही पानी पीना चाहता है। आशय अपने अंदर में आवरण है, जब तक उन आवरणों को नहीं हटाया जाए तब तक परमात्मा रूपी निर्मल जल को कोई नहीं पी सकता। आवरण क्या है? इस पर कहा कि माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत गृहा सक्त दुख रूप, अते कि मिजानहि रघुपति मूड परे तम कूप। जब तक अंधकार के कुएं से नहीं निकलो अंदर के आवरणों का टूटना नहीं हो सकता। जब तक अनासक्त होकर घर में नहीं रहा जाएगा तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। जब तक सदाचार का पूरी तौर से पालन नहीं किया जाए, कभी गिर जाए कभी पालन करे, तब तक वह फल बहुत दूर है। यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन हुआ। आ कबीर साहब और गुरु नानक साहब के लिए तो मुझसे पूछना ही क्या है। आम तौर से लोग समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल स्थूल उपासना में लगे थे और कबीर साहब तथा गुरु नानक साहब केवल निर्गुणवादी संत थे। आप उनके साहित्य को पढ़िए। केवल सुनी सुनाई बातों से संतों के प्रति अश्रद्धा अपने लिए बहुत हानिकारक है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर साहब सभी अंदर की ओर ले जाते हैं। ईश्वर दर्शन इंद्रियों से नहीं होता। उपनिषद के वाक्यों में भी ईश्वर को आत्मगम बताया है, आत्मगम भजहिं जेहि संता। इसी शरीर में जीवात्मा और परमात्मा है, फिर भेंट क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? माया और
छाया का आवरण जो जीव पर पड़ा है, यह आवरण जब तक नहीं हटे तब तक पहचान नहीं हो सकती। इस आवरण रूप का जहां तक पसार है वहां तक यह किस पर आवरण, किस पर आवरण है? क्या पूर्ण परमात्मा माया के आवरणों से आवृत हैं? नहीं, यह माया के पसारों को भरकर और कितना विशेष है कुछ पता नहीं। उसका अंश रूप ही ढका है, पूर्ण रूप ही नहीं, पूर्ण रूप नहीं, यह अंश टूटा हुआ नहीं बल्कि महदाकाश का अंश, मठाकाश जैसे एक ही आकाश ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है, यह आपके शरीर रूप आवरण के अंदर भी है। उसी तरह परमात्मा आपके अंदर है किंतु आप उसका दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप इंद्रियों के द्वारा ही कुछ जानते हैं और आपकी इंद्रियां स्थूल हैं। उन स्थूल इंद्रियों से परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। परमात्मा अनादि अनंत असीम है। जो पदार्थ जितना व्यापक होता है वह उतना ही विशेष सूक्ष्म होता है। बर्फ पानी और वाष्पिक उपमा से बोध कीजिए, जो अनादि अनंत तत्व है वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म होगा वह सब में घुस सकता है। उन सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थ को स्थूल हाथ से नहीं पकड़ सकते। इसलिए वेदों में आया है कि परमात्मा इंद्रियातीत है, वह चेतन आत्मा के ज्ञान में आने योग्य है, वह पकड़ा क्यों नहीं जाता? कबीर साहब के ने कहा है कि सुरत फंसी संसार में तांते पड़ गई पड़ीगा दूर, असुरत बांध सुस्थिर करो आठों पहर हजूर। अपने को इंद्रियों से और शरीरों से बिना छुड़ाए केवल बाहर बाहर के भागने से परमात्मा पकड़ा नहीं जा सकता। जागृत में इंद्रियां अपने अपने विषयों में फंसती हैं, स्वप्न में स्वयं अपने अंदर जाते हुए पाते हो कि मैं अब सोता हूँ, तंद्रा में बाहर से कुछ अचेतनपन होता जाता है। उस समय गला झुक जाता है, हाथ पर कमजोर होने लगते हैं। इस समय भीतर की ओर शक्तियाँ सिमटती हैं, जिब्या पर मिठाई रहने से भी मीठा मालूम नहीं होता। बहिर्मुख से अंतर्मुख होना, बाहर के विषयों से छूटना होता, इससे जानने में आता है कि बाहर से भीतर होने पर इंद्रियों का विषयों से छूटना होता है। केवल स्थूल विषयों से ही नहीं सूक्ष्म विषयों से भी छूटना होता है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि भक्ति सत्वगुर आनी, सत्वगुर की भक्ति दूसरी है। इसी भक्ति का उपदेश गुरु महाराज करते थे और मैंने जो सीखा है उसी को आप लोगों के सामने रखा। अंतर में प्रवेश करने के लिए आप मानस जप, मानस ध्यान करके दृष्टि योग और नादानुसंधान कीजिए। दृष्टि योग में बिंदु ध्यान होता है या बिंदु सूक्ष्म है, इसको मन से गढ़ा बनाया नहीं जाता। बिंदु वह है जिसका स्थान है परिमाण नहीं, परिमाण रहित सूक्ष्मतम पदार्थ को बिंदु कहते हैं। आपकी दृष्टि जहां सिमट कर रहेगी वही बिंदु उत्पन्न होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन लंबा है, दो भाग में। यह प्रवचन लंबा था इसीलिए ये यहीं तक पाठ हुआ और प्रवचन का अगला भाग कल होगा, फिर कल आप लोग सुनेंगे।